विकास तो कुछ नहीं हुआ, जितना 10 साल पीछे चला गया है। तो शिक्षा क्षेत्र में भी स्कूल में टीचर नहीं है, अच्छी हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके प्रसन्ना आचार्य भी आगे एक साल MLA रहे हैं और MP भी थे, यहाँ अच्छे डॉक्टर नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ यहाँ जबकि स्कूल अच्छे से टीचर नहीं है। डेवलपमेंट हुआ है और अलग बात है, जो डेवलपमेंट अपना हुआ है वो पार्टी का हुआ है, कोई पब्लिक का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। उड़ीसा का अस्मिता मतलब ये डेवलपमेंट ये नहीं है, उसका डिफिनेशन अलग है। मैंने हर ग्रुप को 200-500 दे के खरीद के अपना वोट जीतने के लिए उनको पैसा दे के खरीद रहा है, उनका डेवलपमेंट कुछ नहीं किया। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको मालूम है उदय इंडिया का पूरे टीम पूरे देश में अलग अलग राज्यों में यहाँ तक कि पंचायत लेवल तक भी पहुँच रहा है। और आज आपको खुशी होगा, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हम कल राउरकेला के सुंदरगढ़ लोकसभा के अलग अलग विधानसभा में गए थे, असेंबली में छोड़ के लोकसभा कैंडिडेट्स के लिए भी कैंपेन किए थे। तो आज हम उदय इंडिया की टीम संबलपुर लोकसभा में आ पहुंचे हैं और राइट नाउ अभी हम बरगांव पंचायत जो कि रेढ़ाखोल विधानसभा के अंदर आता है और संबलपुर लोकसभा से ये आता है, संबलपुर लोकसभा के अंदर। मैं अपना दर्शकों को बता दूं कि संबलपुर लोकसभा के लिए यहां पर भारतीय जनता पार्टी से धर्मेंद्र प्रधान और बीजू जनता दल से यहाँ से बॉबी दास जो कि बहुत बड़ा चेहरा है और धर्मेंद्र प्रधान केंद्र में मंत्री है, आप सबको पता है। तो आज चार गांव में हम आज यहाँ के उपस्थित सभी दर्शकों को उदय इंडिया की टीम की तरफ से मैं सबको स्वागत करता हूँ। आप सब लोग इतने लोग आए हैं, इस पंचायत में हम पहुँचे हैं। आज हम जानना चाहेंगे कि रेढ़ाखोल विधानसभा में, संबलपुर में, खास करके इस रीजन में यहाँ की जनता का क्या समस्या है और 25 साल नवीन सरकार के बाद इस एरिया में क्या डेवलपमेंट हुआ है, कितना रास्ता बने हैं, स्कूल में टीचर है या नहीं है, राज्य सरकार ज्यादा काम किया है या नहीं किया है, उसका एनालिसिस करने का समय आ गया है। आप सबको मालूम है कि 5 साल में एक ही बार आप लोगों को मौका मिलता है कि आप लोगों को सरकार को पूछने का समय है ये कि आप लोग जनता है, आप जनार्दन है, आप पूछेंगे। आज जब नेता लोग आपके पास आएंगे, आखिर में 25 साल की बीजू जनता दल क्या किया है, नरेंद्र मोदी आपके लिए क्या किया है और खास करके संबलपुर में इस रीजन में क्या विकास हुआ है और क्या होना चाहिए। मैं पहले भाई को पूछूंगा, आपका क्या नाम है? नमस्कार, बलराम सेठ। बलराम सेठ, हाँ। तो आप किस गांव से हैं? बड़गाम पंचायत से। तो आपको यहाँ पर 25 साल का बीजू जनता दल का सरकार यहाँ चला है, तो उसमें आपका क्या मत है, कैसा सरकार हुआ और कैसा विकास हुआ आपका संबलपुर जिला का, ये विधानसभा का, ये पंचायत का, क्या विकास हुआ है? विकास तो कुछ नहीं हुआ, जितना 10 साल पीछे चला गया है। तो शिक्षा क्षेत्र में भी स्कूल में टीचर नहीं है, अच्छी हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके प्रसन्ना आचार्य भी आगे एक साल MLA रहे हैं और MP भी थे, यहाँ अच्छे डॉक्टर नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है। संबलपुर में स्पेशलिस्ट 150 बेड का एक स्पेशल हॉस्पिटल बनाना चाहते थे BJD लोग, डिग्लार किए थे, अभी तक वो भी नहीं हिले, पानी तक आज तक कहीं कोई भी गांव को नहीं पहुंचा। कृषि क्षेत्र में भी जितना हर ब्लॉक के 80% जमीन को पानी पहुँचना चाहिए, वो भी आज तक नहीं पहुंचा। एक शीतल भंडार भी नहीं है यहाँ, एक ब्लॉक में एक शीतल भंडार बनाना चाह के वो डिक्लेयर किए थे अगले मैनिफेस्टो में, आज तक वो नहीं हुआ। 25 साल हो गया, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, लोगों को पैसा देके खरीदना चाहते हैं। अब इसके इस बार पब्लिक बेवकूफ़ नहीं बनेगी, उसका मुँह तोड़ जवाब देगी। और इस बार मोदी सरकार को उड़ीसा वासी कौन पैसा दे के खरीदना चाहते हैं? BJD वाले पैसा दे के खरीदना चाहते हैं। लेकिन मैंने तो सुना है
कि पांड्यन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, पांड्यन साहब ने कहा है माँ समलेश्वरी का पीठ है ये, और माँ समलेश्वरी का पीठ के लिए डेवलपमेंट के लिए बहुत पैसा दिया है बीजू जनता दल की सरकार ने संबलपुर में, और रोड भी बढ़िया बनाया है, लेकिन आपको क्या कहना है? समलेश्वरी मंदिर रो जन डेवलपमेंट है, यानी इलेक्शन हारवार लगी हिंदू वोट के आकर्षित करवार लगी से माने 2023 रे ये परिक्रमा गुड़ाक आरम्भ कर लोके माने हिंदू विरोधी आन आर इटने तुमर कैंसी रकम तेने हिंदू रेने कैंसिल पहलारू आरम्भ जदि करमा इटने कॉग्रेस रोता नहीं गई जन गवर्नमेंट थी 1947 रु 1977 तक एतक तक तेने तुमर तक CBSE कोर्स रे से मानकर मोगल दि ग्रेट अशोक दि ग्रेट नुए आज्ञा तेने समुद्रगुप्त नेपोलियन ऑफ तेने इंडिया तार तेने बाबद गोटे पारेग्राफ लेकिन अकबर दि ग्रेट जे राणा प्रताप रो आगे आवार लगी तेने युद्ध करवार लगी जे जी था से है ग्रेट आर आ गोटे कथा 1977 नु 1947 नु 1977 तक इछाने कांग्रेस गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज तेने मिनिस्टर सब तेने मुसलमान मानक देकर आम शिक्षा नीति के विभ्रांत कहे जिते स्वाधीन है आज्ञा इटने 204 तेने तुम तेने कन्वेंट स्कूल कन्वेंट स्कूल माने आम एरिया लोक नहीं बुझी कन्वेंट स्कूल जेन ठाने यूरोप कन्डाट मेरे जैसी जेन छुआ मैंने तेने लेडीज उजाने के जैसी जेन्स उजाने के जैसी से छुआ के पढ़ावा लगे से कन्वेंट स्कूल। अभी तो जो बीजू जनता दल की सरकार कहता है कि हमने सारा सरकारी स्कूल जितने पंचायत में था हमने उसको बढ़िया बिल्डिंग बना दिया है और वहाँ पर बढ़िया प्रोग्राम भी कर रहे हैं, डांस प्रोग्राम हो रहा है, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम हो रहा है बच्चे के लिए, उसको लेके आप क्या कहे? नहीं आया तो कैसे स्कूल रहे मास्टर ने ना बरगा है स्कूल बरगा है स्कूल क्या 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 नाम है आपका? प्रमोद। कौन टीचर को स्कूल है नाम बरगा? हाँ जहाँ यहाँ जितकी स्कूल हो चाहे टीचर नहीं ना। क्या नाम है आपका? एकादशी है सर। क्या आपको क्या समस्या, आप क्या करते हैं? आज्ञा कौन कुर चाष कर तो चाषी तो तुम कौन समस्या? चाषी जहाँ कले भी धान मुठे बिकवार लगी केते 1500 नु आगे गति करवार नहीं, चाषी चाष कर लाख भाग कर आत्महत्या करते मरी गले ना के लाख लगिक अच्छा आर एतका कण कह सरकार भी कौन सुविधा नहीं न चाषी लगी। आज्ञा आपको नाम हरिहर महानंद। आज्ञा पांड्यान बाबू कहते कि आम विजु स्वास्थ्य योजना कार्ड बनईचु 5 लाख टंका प्रत्येक गरीब को मिलव कह देह खराब हेले स्कूल बढ़िया बनईचु लक्ष्मी बस प्रति गाँव को चलईचु चाउल दौचु ब्याग दौचु 25 वर्ष ओडिशा रे इतिक विकास होती किंतु बीजेपी कहि 3100 टंका आम धान किणवु पर क्विंटाल आते कहीं नाराज कि हम कौन प्रोब्लेम देखो आज ओडिशा रो विकास कथा जो कहते बिजु जनता दल ओडिशा रे 25 वर्ष शासन कलापर आम जिते दूर पहुँचवा कथा आम पहुँची पारना आज स्कूल मानक इनफ्रास्ट्रक्चर हो गला किंतु से टीचर नहंती आज हॉस्पिटल बनाऊ डाक्तर नहंती आज पानी समस्या अच्छी आज जलसेचन व्यवस्था ना आज आप देखिए ये SIG ग्रुप मानक सबू तांकर इलेक्शन रे लगेबापाई जो प्रकार रो प्रचार चलई घरे घरे जाई ग्रुप वाला को 5000 टंका लेखा एबे बंटा चली छे हैला आम एरिया रे सब ग्रुप मानक 5000 टंका जाई के देउछंती आउ समस्तंकु छेली बुका भोलिया किणी कि रेकि वोटा को जितबापाई चेष्टा करछंती। आज जो आपण कहले जे आपण धान कथा अंडर रेट रे किणा चली छे आज धान चाषी समस्या जो चाषी आज ओडिशा रे आत्महत्या करबा को पड़ती से जो कहते आम आज्ञा से प्रकृत सत्य कथा चाषी तार प्रकृत मूल्य पा ना आज बीजेपी जदि आसे आम आमर एटी मैनिफेस्टो बीजेपी तार रखी आम निश्चित भाव में ये सरकार हुए ओडिशा रे आपण क्या नाम है आपका? भवानी शंकर होता।
ओ, आपका कहना है क्या है कि 25 साल में क्या सच में बीजेडी कुछ नहीं किया? ऐसा तो नहीं हो सकता है, 25 साल में इतना बढ़िया रास्ता बनाया, बीजू रोडवेज बनाया, देखो राउरकेला से संबलपुर तक इतना बढ़िया रास्ता बनाया और हॉस्पिटल बढ़िया बनाया, तो कुछ तो अच्छा क्वालिटी होगा बीजू जनता दल के, जिसके चलते इतने बार लोगों ने वोट दे रहे हैं क्या? नहीं, कोई भी सरकार हो, कोई बजट में तो कोई व्यवस्था करते हैं कुछ डेवलपमेंट के लिए, मगर मेरा एक कहना है कोई भी आंचलिक दल जो है वो राष्ट्रवाद को नहीं पकड़ते, वो देश बाढ़ में जाए, वो मैंने वो कुछ इसलिए कोई कुछ काम नहीं करते मेरा। नहीं तो आंचलिक दल तो आंचलिक रीजनल पार्टी का तो मेन काम है कि उस स्टेट को ज़्यादा फोकस करे, उस स्टेट का ज़्यादा विकास करे। बीजू जनता दल कहता है कि उड़ीसा का सम्मान, उड़ीसा का अस्मिता हमारे लिए है, जगन्नाथ परिक्रमा प्रकल्प हमने किया है, उड़ीसा राज्य में जितना मंदिर था उसको रिवाइव किया है, हर एक रुपया में चावल दिया है, ब्याग भी बांटा है, ये सब खुश नहीं है आप लोग? खुश नहीं है उससे? उड़ीसा का अस्मिता मतलब ये डेवलपमेंट ये नहीं है, उसका डेफिनेशन अलग है। तो मैं कह रहा था डेवलपमेंट हुआ है वो अलग बात है, जो डेवलपमेंट अपना हुआ है वो पार्टी का हुआ है, कोई पब्लिक का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ये बीजेडी सरकार का रुख है। और मैं जो बोल रहा था राष्ट्रवाद प्रथम होना चाहिए, ये मोदी का गारंटी जो दे रहे हैं, पहले तो हम सुरक्षित रहें तब देश बचेगा ना, ये हमारा मुद्दा है। अच्छा एक और चीज़ हम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने हर गांव में गए आज, कई जगह पूरा उड़ीसा में कई जिला में गए, कुछ जगह आप जैसे लोग हैं वो कहते हैं कि पांड्यान उड़ीसा का नहीं है, नहीं है, लेकिन वो उड़ीसा का विकास के लिए बहुत काम किया, उसमें आपको क्या ऑब्जेक्शन है? नहीं, वो तो मुख्यमंत्री होना चाहते हैं, हाँ। और ये एमएलए लोग उनका टैलेंट मानते हैं, वो तने ट्रैफिक क्लियर करते हैं, और तने और कोई तने कुछ नहीं। ये भाई को पूछते भाई आप ये माने किसी काम करता नहीं के? है तमना कौन को बोल दो करो है हा? ये माने बड़का कोंटे अरे दस एकर रे तमे कौन करछो चासी? हमें बता बचो लेबर काम कर लेबर दिनु कितने का रोजगार करछो? 250 तीन तो कितने बोल काई की दिनु को तो मिनिमम ये कितने लेबर चार्ज? 500 टका 300 टका हां जो नहीं सर तुमको नवीन बाबू चावल ब्याग दौर मोदी सरकार पैसा दौ मोदी नहीं नवीन बाबू कौन नवीन मुझे जेल को जेल को से जेल में एकाटा से पानी सुविधा किसी नहीं हाजकोटर किसी सुविधा नहीं भाई किसी सुविधा नहीं मद पानी किसी मुझे मद भी सुविधा नहीं मद मद मैंने लेबर काम कल मेन है घर आमर घर उल्टा पुल्टा को उल्टा पुल्टा कुछ रोड टे का बंद कर रोड टे हो रोड का नहीं पार तो आप क्या चाहते सरकार आपको दारू फ्री में दे? दारू दारू सब पैसा है पता है चावल है सब पैसा मिलेगा जिंदाबाद हाथी मरेगा बताओ जी सर एसएसजी ग्रुप इतना बनाया सारा महिलाओं को इकट्ठी किया सब कुछ किया उसमें क्या फिर तो अच्छी बात है ना कि महिला का सशक्तिकरण हो रहा है? हाँ ये तो पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, अभी जो नवीन सरकार इन लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं वोटों के लिए, माने हर ग्रुप को 200-500 दे के खरीद के अपना वोट जीतने के लिए उनको पैसा दे के खरीद रहा है, उनका डेवलपमेंट कुछ नहीं किया, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। भाई आप आपका क्या नाम है? दुर्योधन खेती है। आप कौन कर चाषी लोग? चाषी तो आप तो खुश है ना? हाँ हाँ खुश है। नवीन बाबू कहते आपण मैंने खुशी तो आमे हतरी ले खुशी ना आमे चासी ले किछ डेवलप ने आपण माने खुशी नो नहीं आमे का खुशी आमे चासर डेवलप ने आमे धान अटका ना पाबा आमे लाभ किछ ने नो क्षति रे जाऊ छु आमे हैं कटिंग छटिंग रे भी आमे काटी दउ छु 7-8 केजी लॉस रे जाऊ छु आमे धान रेट जदी 3500 क्विंटल हवा किबा 3200 लागि 3100 ला आमको सेकी फायदा हवा आ चासी मान को लागि सब सुविधा देबार कथा सार फार सब रेट कम बार कथा जे मोदी कहउछंती सबु घरे टॉयलेट बनै चंती पानी आछि घर बनौछि चावल मिलछि एटा कोन सत कथा? हां तो टॉयलेट बनैछि? हां टॉयलेट बनौ चंती चावल भी दउ चंती आ गैस भी दै चंती सब सुविधा कर दै चंती। तमना कोन
ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ମାଝି ରଢ଼ିଆପାଲି ଗ୍ରାମର ବରଗା ପଞ୍ଚାୟତ ଆମର ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗାଁଟାକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ନା ମାନେ ଖାଇବା ଜଳ ପିଇବା ପାଣି ପିଇବା ପାଣି ଆମେ ରଢ଼ିଆପାଲିରୁ ଛଚାନପାଲିକୁ ପାଣି ନେଇ ଆସୁଛୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଗାଧୋଇ ଗଲା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ କେତେ କିଲୋମିଟର ପାଣି ଲେଖେ ଆତେ ହୋ ଡେଢ଼ ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ତକ ପାଣି ଲେଖେ ଆତେ ହୋ ପିନେ କେ ଲିଏ ପିନେ କେ ଲିଏ ଓହୋ ଆମର ବନକେ ଗାଧୋଇ ଗଲା ବେଳେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ସେନ ଦୁଇ ଲୋକ ଖରାପ ହେଇଗଲେନ ମରିଗଲେନ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କମାଣ୍ଡ ଦେଇଛୁ ସେନ ସେ ଚାଲିକରି ପଡ଼ିଗଲେ ମରିଗଲେ ଆଠ ଦିନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ହେ ଏସେ କିତନା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହେ ଜିସମେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ହେ ୟହାଁ ପର କଣ କଣ ସା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ଯେଉଁଠି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଲୋକ ପଡ଼ିକି ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଡଙ୍କରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି କିଛି ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁ ଗାଁକି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ସରକାର କହୁଛନ୍ ଆମେ ସବୁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଦେଇଛୁ ଆଜି ମହୁଲପାଲି ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଡଙ୍କରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେ ଜାଗାକୁ ବି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିନାହିଁ ବୋଧେ ଟଏଲେଟ୍ କେତେ ବନିଛି ମୋଦି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ହର ଘର ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ଏଇଠି ରେଡ଼ା ଖୋଲିଲେ ବା ବରଗା ପଞ୍ଚାୟତରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଟଏଲେଟ୍ ବଞ୍ଚି ଆଉ ପାଣି ଆସୁଛି ସେଥିରେ ଏଠି ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ବି କରୁଛନ୍ତି ମୋଦିଜୀଙ୍କର ସେଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ସେ ଟଏଲେଟ୍ଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆମର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବତା ଦେଉ କି ୟହାଁ ପର କୁଛ ଲୋକନେ ହମକୁ ବତାୟା ହେ କି ଇନକେ ପାସ୍ ପିନେ କା ପାଣି ନହିଁ ହେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କା ୟହାଁ ପର ବିଧାୟକ ରହେ ହେ ଔର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଥେ ଇଧର ସେ ଲେକିନ ଇନକୁ ଦୋ ଦୋ କିଲୋମିଟର ତକ ପୈଦଲ ଚଲ କେ ଜାନା ପଡ ରହା ହେ ଔର କୁଛ ପଞ୍ଚାୟତ ମେ ଇନକେ ପାସ ରାସ୍ତା ନହିଁ ହେ ଗର୍ମି ମେ ଲୋକ ଜବ ପାଣି ଲେନେ ଯାତେ ହେ ଆତେ ହେ ଔର କୁଛ ଲୋକଙ୍କ କା ଡେଥ ବି ହୋ ଗୟା ହେ ୟେ ଏକ ଭାରି ସମସ୍ୟା ହେ ୟହାଁ କି ଇସ ଏରିଆ କି ଅବ ହମ ୟେ ଜାନନା ଚାହେଁଗେ କି ପାଣ୍ଡିଆନ ନାଁ ଶୁଣିଛ ହଁ ଶୁଣିଛ କିଏ ସେ କିଏ ପାଣ୍ଡିଆନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସେ ତାମିଲନାଡୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ତାମିଲନାଡୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସେ ଆମର ଇ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋକ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ନୁହେଁ ତ ତମର ବିକାଶ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ନ ହଉ ମୋଟେ ନାହିଁ ମୋଟେ ନାହିଁ ଦୁଇ ପଇସାର ବି ବିକାଶ ନାଇଁ କରବା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବନଉଛି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ବନେ ସେ ନେଇ ବାଧୁ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କଲେ କଣ ହବ ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ଯେ ପୋଖରୀକେ ଗାଧି ଯିବାର ଲାଗି ରାସ୍ତାରେ ରାସ୍ତା ଟିକେ ମରାମତି ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ ସେନ୍ତା ଜାଗାରେ ଦୁଇ ଲୋକ ମରିଗଲେ ନ ଏ ବର୍ଷ ଗତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଅଶ୍ୱିନ ମାସ ଦୋ ଲୋକ ମରଗେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ହେଲେ କାରଣ ଆପ କ୍ୟା କହିନା ଚାହତେ ହୋ ହେ ମନ୍ଦିର କଲେ କାଣା ହବ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସୁବିଧା ନାଇଁ କରବେ ଆମର ରାସ୍ତାଘାଟ ପାଣି ପୁନି ସବୁ ସୁବିଧା ହେଲେ କାହିଁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗବା ସେଦିନ ତା ଆମ ବୋଲେ ହେବା ଭାଇ ଦେଶ କା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୋନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭୋଟ କିସକୋ ଦେତେ ପହିଲେ 2019 ମେ କିସକୋ ଦିଏ ଥେ ମୋଦିଜୀ କୁ ଦିଏ ଥେ ଉସକେ ଲିଏ ଆପ ଖୁସ୍ ହେ କି ଦୁଃଖୀ ହେ ନାଇଁ ଉସକେ ଲିଏ ଖୁସ୍ ହେ ଖୁସ୍ ହେ ଆଉ 2024 ମେ କିସକୋ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମେ ଭୋଟ ଦେଙ୍ଗେ କିସକୋ ବିଧାନସଭା ମେ ଦେଙ୍ଗେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମେ ହମ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କୁ ଦେଙ୍ଗେ ନାଇଁ ଓ ବିଧାନସଭା ହଁ ବିଧାନସଭା ମେ ହମ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କୁ ଦେଙ୍ଗେ ଔର ଲୋକସଭା ମେ ହମ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କୁ ଦେଙ୍ଗେ आपके पास मोदी को अगर बोले कि आप क्या डिमांड करेंगे नरेंद्र मोदी के सामने अगर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डबल इंजन सरकार चाहिए हाँ क्या संबलपुर में ये हो सकता है संबलपुर में हो सकता है हो सकता है आ भाई गाप जा भाई इधर कौन 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 कर तुम ना को इट कैसो मोर ना यहाँ हरिश्चंद्र बाग हाँ संबलपुर जिला धमा थाना हाँ बरगा पंचायत मोर गाँव का वोट दबा बरगा କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବ ଯେ ଭୋଟ ଦେବ ମୋଦି ସରକାର କାହିଁକି ମୋଦି କଣ କରିଛି ତୁମର ମୋଦି ଆମର ସବୁ ସୁବିଧା କରୁଛି ମୋଦିର ପୁରା ନାଁ କହିଲେ ଦେଖିବା ସେଟା ତ ଆମେ ମୋଦି ବୋଲି ଜାଣିଛୁ ପୁରା ନାଁ କଣ ଗୋଟେ ସୁବିଧା କରିଛି କୁହ ମୋତେ ହଁ ହଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚାଉଲ ତ ନବୀନ ଦେତା ହେ ନା ନବୀନ ନାଇଁ ଦେତା ହେ ଅର୍ ମୋଦି ଦେତା ହେ କିଛି ନାଇଁ କହ ସବ ଲୋକ କହତା ହେ ନବୀନର ନାଁ ହୋତା ହେ କିନ୍ତୁ ମୋଦି ଚାଉଲ ଦେତା ହେ ତୁ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଏତନା ବଢିଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଲା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର କିଛି କାମ କାଣା କାମ କରିଛି ପହିଲା ଆମର ଗାଁ ଗହଳିରେ କେନ୍ସି ରୋଡ୍ ରାସ୍ତାର ସୁବିଧା ନାଇଁ ଆମେ ପୁରା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାଡ଼ିକି ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ରୋଡ୍ ଉପରେ ଆମେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାଡ଼ିକି ଯାଉଛୁ ତାପରେ ଆମର ବନ୍ଦ ଘାଟର କିଛି ସୁବିଧା ନାଇଁ ନା ତାପରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜର ବି କିଛି ସୁବିଧା ନାଇଁ ନା
जदि प्राइवेट स्कूल माने सरकार खुल्ला गवर्नमेंट स्कूल थी कहाँ कर प्राइवेट स्कूल खुली आम गरीब लोग मैंने तो प्राइवेट स्कूल पढ़े ना पारूँ हाँ एतक गवर्नमेंट स्कूल अच्छे जे के भल टीचर भी नैन के स्कूल भल टीचर आम पढ़ला बेले आठ दिन एस आई मैंने चेक कर स्कूल मान को या तो दुई मस भी चेक करना आबार एस आई मैंने कहीं गलो मरीगल कि जी जन भी आज दिन तक नुए देखूँ हमारे पढ़ा चल रहा दिन इनको कहना है कि प्राइवेट स्कूल बन रहा है गवर्नमेंट स्कूल में टीचर नहीं है हम लोग गरीब है हम अपना बच्चे को कहाँ पढ़ाएंगे कहाँ से पैसा ला के देंगे ये आपका कहना है ठीक है बोलो ये नवीन सरकार और पंचायत में मत भाटी और गांव में मत भाटी अरे आपका दोस्त ने कहा हम गरीब है हमको मदद चाहिए कहाँ गया भाई और मत चाहिए सका चाहिए इधर सब ने मत भाटी हाँ मत तो फायदा उठाऊ चाहिए मत भाटी पूरा बंद हवा मत भाटी बंद हवा बंद हवा ओके गांव मन भी ठीक रहा और पंचायत भी ठीक रहा कंदा पिला मैंने मारा था नहीं कौन मीत को जाकर और हाँ भाई भाई आप इधर आओ एजुकेशन वाले को हाँ इधर आओ अब ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है यहाँ पर बहुत सारा किसान है जो चासी पानी आपका खेत के लिए खेत में पहुँचता है कि नहीं पहुँचता नहीं हम एरिया था हीराकुद कमांड एरिया रह गया यार जेतु इतने कमांड एरिया रे आवा लगी इतने चको को इतने व्यवस्था कर लेकिन हमें कुड़े किलोमीटर दूरिया थे गिरी डैम रु आम इनके अप टू हुमाटेल बालपुर तक पानी नहीं कहाँ थे लगे पानी नहीं से माने इंडस्ट्री के पानी बिकले और अनऑथराइज जमीन मान को ऊपर साइड रे पानी दिले और से मान को बरगढ़ के नाला मैदान हो शासन आम किनारे बरगढ़ किनारे से मैंने विजयपुर तक पचे पैन नहीं गले बिनका तक पचे पैन नहीं गले समझ गया मेरे को यहाँ पर जो अधिकतर लोगों से हमने बात किया यहाँ से लोग ने कहा कि हमारा खेती बाड़ी करने के लिए हमारे पास पानी पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है और पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है जिसके लिए इनको दो दो किलोमीटर पैदल जाना पड़ रहा है और अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए जो सरकारी स्कूल है उसमें टीचर नहीं है और ये कुछ प्रमुख समस्या है नवीन सरकार रो हमें पूरा सुखा धान दे रेगड़ी से भी रेगड़ी से चाबी नी चाप तर बेटा बोलते मिल गए तो इनका कहना है कि इतना मेहनत करके बहा के इन लोगों ने धान जो लेकर जाते हैं तो बेचने के लिए तो इनका धान का सही प्राइस नहीं मिल पा रहा है। अब आगे हम अगला पंचायत को जाएंगे संबलपुर में अलग अलग जगह जाएंगे रेडाकोल में संबलपुर टाउन में भी जाएंगे और लोगों से भी बात करेंगे कि लोगों का क्या कहना है कि 25 साल का नवीन सरकार वर्सेस नरेंद्र मोदी ये चीज हम आगे आने वाला दिन में देखेंगे। अगला इलेक्शन में लोग किसको चुनेंगे यहाँ के लोग ये तय करेंगे क्योंकि ये है जनता ये है जनार्दन।